नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा है। जब से तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, उनकी पत्नी की लोकप्रियता भी बिहार में बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की रेचल से दिसंबर 2021 में शादी हुई थी। तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम रेचल से बदलकर राजश्री यादव रखा गया। जानिए कौन है तेजस्वी यादव की पत्नी जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। तेजस्वी यादव और राजश्री यानी कि रेचल पुराने पारिवारिक मित्र हैं। रेचल हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है, लेकिन वो परिवार के साथ दिल्ली आ गई थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार उनका परिवार वर्तमान में नई दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। उनके पिता दिल्ली के एक स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्य करते हैं। रेचल ने दिल्ली के आरकेपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी उनके साथ वहां पढ़ते थे और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। तेजस्वी यादव की पत्नी एयर हॉस्टेस के रूप में काम भी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने साल 2019 में अपने जॉब को छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजश्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बताई जा रही है। रेचल रेवाड़ी की रहने वाली है और तेजस्वी की एक बहन की शादी भी रेवाड़ी के ही चिरंजीवी राव से हुई थी। कहा जाता है कि राजश्री परिवार का संबंध चिरंजीवी राव के साथ है। राजश्री यादव ने तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। मीडिया में उनकी चर्चा बढ़ गई और राजश्री को तेजस्वी यादव के लिए भाग्यशाली बताया जाने लगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के बारे में कई सारी बातें मीडिया से कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी एक आदर्श साथी है। शादी को लेकर परिवार में नाराजगी को लेकर के भी उन्होंने पूरी तरीके से बात को खारिज कर दिया और बताया कि मेरा पूरा परिवार इस शादी के समर्थन में था, किसी को कोई नाराजगी नहीं थी। शादी के साथ जातिवाद को लेकर के भी उन्होंने मीडिया को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और मैं इसको लेकर के खुले विचारों वाला रहा हूँ। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं हमेशा से जैसा साथी चाहता था, राजश्री बिल्कुल वैसी ही हैं। इसके बाद मैंने पिता लालू यादव को इसके बारे में बताया। वो अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि कोई पसंद हो तो ज़रूर बताना। जब मैंने उनसे कहा कि एक लड़की पसंद है लेकिन वो ईसाई है, तो पापा ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी उनके लिए भाग्यशाली है।